जब भी आप अपने लिए पीसी बिल्ड करवाने जाते हो या फिर आप कंपोनेंट्स की शॉपिंग करने जाते हो ना, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप लोग काफ़ी मिस कर देते हो। एंड ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे कोई भी रिसर्च करके नहीं जाते अपने कंपोनेंट्स या फिर अपना बिल्ड करवाने के लिए। इस टाइम पे क्या होता है ना कि आपके जो सेलर्स लोग हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं, वो आपको यहाँ पे बेचेंगे क्या, एक बैड मदरबोर्ड। मैं ये नहीं बोल रहा सब ऐसा करते हैं, बट मैक्सिमम आई मीन टू से 99% ऐसा ही करते हैं। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार, खुद अपने सामने होते हुए देखा है, एंड ऐसा होता है इसलिए वीडियो बनाई जा रही है। अब उसका रीजन तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि आपको एक घटिया मदरबोर्ड बेचेंगे, वो भी अच्छे खासे हायर कोर काउंट वाले सीपीयू के साथ। बट इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कमीशंस, क्या पता फॉरेन ट्रिप्स। बड़ा हरामी हो बेटा। इफ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटेल बेस्ड पीसी एंड अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा मदरबोर्ड परचेज करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस टाइम पे, एंड मैं नहीं चाहता कि आप कोई घटिया मदरबोर्ड लेकर आ जाओ एंड फिर रिग्रेट करो कि यार क्या लेकर आ गए, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूंगा, जिसकी वजह से आपको वीडियो से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो, कि ये जो मदरबोर्ड गाइड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं एक इंटेल 12th जेन पीसी बिल्ड करने की, जो कि बेस्ड हो इंटेल कोर i3 12100 या फिर 12100F पे, या फिर इंटेल कोर i5 12400 या फिर 12400F तक, उससे ऊपर अगर आप सोच रहे हो कोई भी प्रोसेसर बाय करने की, तो ये जो मदरबोर्ड गाइड है उन लोगों के लिए नहीं है। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप ऊपर कोर काउंट वाले सीपीयूस के साथ जाने वाले, जैसे कि i7 i9 या फिर अगर आप AMD की भी साइड हो ना, स्टिल ये वीडियो देखो, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी मिथ ब्रेक करता है जो कि आप लोगों को शायद से ना पता हो एंड आपको जानना चाहिए एक्चुअली में। एंड वो जो बात है वो ये है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि लोग इंटेल कोर i9 या फिर कोई हाई कोर काउंट वाला राइजन सीपीयू एक बेसिक से एंट्री लेवल चिपसेट पे चलाते हैं। अब उसके बेनिफिट्स तो कुछ होते ही नहीं है, उसके होते हैं डिसएडवांटेजेस, एंड आपको यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों के मन में अभी तक ये था ना कि यार हाँ एक हाई कोर काउंट वाले i9 या फिर राइजन 9 को हम एक एंट्री लेवल चिपसेट पे या फिर एक सस्ते मदरबोर्ड पे चलाएंगे, तो उससे क्या ही हो जाएगा। देखो चलने को चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि चलेगा नहीं, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप चला सकते हो। इवन कंपैटिबिलिटी लिस्ट के अंदर भी मदरबोर्ड्स की लिखा होता है कि आप चला सकते हो, बट उस चलाने के पीछे क्या आप लोग खो रहे हो वो नहीं लिखा होता उसके अंदर। तो यहाँ पे मेनली तीन प्लेयर्स हैं इस H610 चिपसेट वाले मदरबोर्ड कैटेगरी के अंदर, Asus, MSI एंड Gigabyte। एंड यहाँ पे इनके कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं एंड यही बिकते हैं H610 चिपसेट के अंदर, मैंने इनको ही बिकते हुए भी देखा है, तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। सबसे पहला जो मदरबोर्ड है वो है Asus Prime H610ME D4 मदरबोर्ड। D4 का मतलब है कि ये जो मदरबोर्ड्स हैं DDR4 को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे सारे ही मदरबोर्ड्स DDR4 सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड मदरबोर्ड है वो है Gigabyte का H610ME S2H मदरबोर्ड, एंड यहाँ पे जो थर्ड मदरबोर्ड है वो है MSI का प्रो H610ME G। अब यही से सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जो कि इसकी प्राइसिंग। सारे के सारे मदरबोर्ड आपको इजीली ऑफलाइन या ऑनलाइन 7000 रुपीज तक के मिल जाएंगे, एंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना वो यही है कि सबके बीच में डिफरेंस है ना मुश्किल से ऑन एन एवरेज 200 से 300 रुपए का है। एंड जब इतना कम डिफरेंस होता है ना प्राइस के अंदर, यही पे जो ह्यूमन का दिमाग होता है ना वहां पे दौड़ने शुरू होते हैं घोड़े, कि अगर मैं यहाँ पे 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, वहीं पे अगर मैं 200-300 कम दे रहा हूं तो मुझे क्या डिसएडवांटेजेस मिल रहे हैं। तो ये अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला कि कुछ कुछ लोगों के तो दिमाग में घोड़े दौड़ते हैं, बट कुछ होते हैं ब्रेन डेड लोग जो कि यहाँ पे स्टिल एक घटिया प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मजा आ गया। एंड यहाँ पे ऐसे विश्वास करते हैं ना उस शॉपकीपर पे जैसे उनका चाचा का लड़का, और बोलते हैं भैया लगा दो जो लगाना है आपको, आप ही का तो पीसी बन रहा है, मैं तो पैसे देने वाला हूँ। सबसे पहले एंड सबसे प्राइम फैक्टर इनको कंपेयर करने का जो कि इनकी VRM configurations। देखो VRM ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है मदरबोर्ड में, ये बेसिकली आपके CPU को पावर देती है। एंड यहाँ पे हम इनके जो कन्फिग्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं, एंड आपको अभी पता लग जाएगा, मे बी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो समझना, बट मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। Asus Prime H610ME मदरबोर्ड के अंदर हमको मिलती है 8 phase की VRM, इसमें से यहाँ पे 7 phase डेडिकेटेड है टू वी कोर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मदरबोर्ड है वो है Gigabyte का H610ME S2H मदरबोर्ड, जिसके अंदर भी हमको मिलती है 8 phase की VRM इन दी कन्फिग ऑफ 6+1+1, जिसमें से यहाँ पे जो 6 phase है वो डेडिकेटेड है टू वी कोर। एंड यहाँ पे जो लास्ट मदरबोर्ड है वो है MSI का प्रो H610ME G मदरबोर्ड, जिसके अंदर हमको मिलती है सबसे कम फेजेस जो कि है 6 phase की VRM, एंड यहाँ पे जो 4 phase है वो डेडिकेटेड है टू वी कोर। नाउ आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि जो MSI का मदरबोर्ड है उसकी सबसे ज्यादा वीकर VRM है compared to Asus and Gigabyte, I mean to say जो phases हैं वो कम है basically। And यहाँ पे ये phases कम होने से कोई दिक्कत नहीं है, problem ये है कि actually it affects the performance as well। अब before knowing the results आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो भाई है वो क्या कर रहा है। देखो
मेरे पास ये तीनों ही मदरबोर्ड्स अवेलेबल नहीं है फिजिकली, नहीं है मेरे पास। मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पे देखे हैं, मैं उसके बेसिस पे कॉन्क्लूजन ड्रॉ करके दे रहा हूँ आपको। अब वो जो कॉन्क्लूजन मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा वो बिल्कुल 99.9 या फिर इवन 100% सही है। वो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी ढूंढ के कुछ भी बता रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि जो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन लेके बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि यार ये तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, मतलब कि मैं अपने आपको नहीं मानता, बट अगर आप मुझे मानते भी हो वैसे गलत सोचते हो, बट मैं आपको चीज़ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ब्रांड्स होते हैं ना उनका जो मेन फोकस होता है ना वो होता है थोड़ा मिड रेंज या फिर हाई एंड सेगमेंट्स के चिपसेट पे। ये जो बेसिक एंट्री लेवल चिपसेट है ना उन्हें पता है कि इस पे मार्केटिंग बजट खर्चा करके करना क्या है जब ये बिकी जाने हैं। खुद सोचो यार, बेसिक i3 i5 के लिए यही चिपसेट चलते हैं एंड ये बिना मार्केटिंग करके भी बिकी जाने हैं, तो इनमें पैसा डाल के मार्केटिंग का फायदा क्या है? तो इस वजह से यहाँ पे ना ही हमको वो मदरबोर्ड अवेलेबल हो पाते हैं। एंड पेट्रियन तो चलता नहीं है इंडिया के अंदर कि आप मुझे पैसे दोगे मैं यहाँ पे हर चीज़ खरीद लूँगा, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल है इन चीज़ों को अरेंज करने की, बट स्टिल मैं आपके सामने आज एक ऑप्शन रखता हूँ। वो ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पे डेडिकेटेड कंपैरिजन करूँ मदरबोर्ड के, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली में, उसके अंदर आपको ना सिर्फ VRM के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करा जाएगा बट स्टिल आपको यहाँ पे डेडिकेटेड एप्लीकेशंस को रन करके कि आपको कौन से मदरबोर्ड के साथ कितना परफॉर्मेंस मिलता है वो सब कंपैरिजन मैं आपको दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं तो ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल हो, जिसकी वजह से आपका डाउट सारे क्लियर हो जाए एंड आपको पता लगेगी बाय क्या करना है एक्चुअली में। अच्छा, सपोर्ट की बात आई गई है तो यार इस वीडियो को जो लाइक है मैं वो है 1000 लाइक्स का लाइक है, ज़्यादा रख ही नहीं रहा, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है ना इस वीडियो से 1000 लाइक्स का लाइक है। मैं मेरे जो यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको फॉलो कर लेना, फेसबुक इंस्टाग्राम टू गेट नोटिफाइड थोड़ा सा पहले। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे इन सारे मदरबोर्ड्स को कंपेयर करने के लिए एंड इनकी बिल्कुल पीक तक टेस्ट करने के लिए यूज़ करा गया है एक इंटेल कोर i9, ऑब्वियसली 12 जेन का ही CPU यूज़ करा जाएगा। एंड अगर आप मुझसे पूछो कि यहाँ पे ऐसा कौन सा मदरबोर्ड था जो कि सबसे ज़्यादा इंटेल कोर i9 की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा था, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सारे इफेक्ट कर रहे थे, बट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था वो था ऑब्वियसली MSI का H610, जो भी है नाम भूल गया उसका, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट VRM टेम्परेचर थे उसके। रीज़न मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, यहाँ पे लो VRM कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बोर्ड था इन H610 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स के अंदर वो था ASUS का एंड Gigabyte का। अब यहाँ पे आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि आप में से काफी सारे लोगों के ऊपर आएगा। अच्छा, मैं पहले यहाँ पे प्राइस की बात कर लूँ। देखो, 7000 रुपये के सबके सब मिलते हैं, 200-300 रुपये का ऑन एन एवरेज डिफरेंस है। आप में से बहुत लोग के मन में डाउट होगा, इवन मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता कि आपके मन में ऐसा डाउट आया होगा, जो कि है कि क्या हम एक्चुअली में एक इंटेल कोर i9 यूज करेंगे इन H610 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स के साथ, जो कि मैं मना करता हूँ आपको नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पे 7000 रुपये का सारे के सारे मदरबोर्ड आपको मिल रहे हैं, इनमें से भी आपको बेस्ट चूज करना है, ठीक है, तो फिर वहीं पर बात आती है कि देखो, एग्जाम्पल के लिए सुन लो कि अब देखो, फोन तो आपका भाई एक कीपैड वाले फोन पे भी हो जाएगा, बट फिर भी आप यहाँ पे एक एंड्रॉयड सस्ता ही लो भले, बट एक एंड्रॉयड लेते हो ना जिसके अंदर आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चल सके। फोन तो दोनों ही कर सकते हैं ना, बट स्टिल आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, बट यहाँ पे तो आपको पे भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे प्राइसेस सेम है, उसके अंदर आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है। तो इस वजह से ये कंपैरिजन यहाँ पे वैलिड होता है एंड ये गलत नहीं है किसी भी तरीके से। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप एक i3 इसके साथ पेयर करने वाले हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे अपग्रेडेशन की भी सोचो कि यार चलो हम यहाँ पे एक i5 तक अपग्रेड करना चाहते हैं, तो i5 12400 या फिर 12400F तक आप यहाँ पे अपग्रेड करना, उससे ऊपर मैं जाने की बिल्कुल भी आपको परमिशन ही नहीं दूंगा। अगर जाओगे अपने रिस्क पे जाना, इफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस ये वाले मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी थी। एक दो चीज़ें और जो कि फीचर्स इनमें काफ़ी कॉमन है मदरबोर्ड्स के अंदर, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। ऑल दीज मदरबोर्ड्स हैव 2 DDR4 RAM स्लॉट्स। सारे ही मदरबोर्ड्स के अंदर आपको मिलता है एक PCIe Gen 4x16 का स्लॉट। सारे ही मदरबोर्ड्स के अंदर आपको मिलेगा एक PCIe Gen 3 M.2 स्लॉट। सारे ही मदरबोर्ड्स के अंदर आपको मिलेंगे 4 SATA 6 GBPS पोर्ट्स। सारे ही मदरबोर्ड्स के अंदर आपको मिलेगा USB 3.2 Gen 1 का हेडर। एंड यहाँ पे एक लास्ट फीचर जो कि इन तीनों ही मदरबोर्ड्स को काफी अलग बनाता है वो ये है कि आपको यहाँ पे ASUS के मदरबोर्ड के अंदर मिलता है एक RGB हेडर, ठीक है। Gigabyte के मदरबोर्ड के अंदर आपको मिलता है एक RGB हेडर, बट MSI के मदरबोर्ड के अंदर मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे लो VRAM कॉन्फ़िगरेशन है। एंड अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद से क्यों उन्होंने कट डाउन करी है, बिकॉज यहाँ पे आपको और भी फीचर्स मिलते होंगे बाय द वे, बट एक जो प्राइम फीचर है जो कि शायद से लोग यूज़ करें, 2 RGB हेडर एंड 1 RGB हेडर। सो आई होप कि मैंने आपके यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए, तो आपके पास अब एक आंसर होगा। एंड अगर आंसर नहीं भी है तो अब आप इतने
एजुकेटेड हो अपने दिमाग से कि आप अपने लिए एक बाइंग डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पे परचेज करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर है एंड आपको यहाँ पे किस सिनेरियो के अंदर कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पे परचेज करना चाहिए। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, अमेजन से कुछ ही परचेज करना तो नीचे लिंक से परचेज कर सकते हो एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।